अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, एक पेपर क्राफ्टर हैं या कुछ भी हैंडमेड बनाते हैं और आप घर से ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये टेंशन है कि उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, मेरा नाम है आकांक्षा सहगल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसी टिप्स दूंगी जिनकी मदद से आप अपना बिजनेस कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। एंड आई हैव डन दिस टॉपिक इन इंग्लिश एज वेल, सो इफ यू आर समवन हु इज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, यू कैन चेक द वीडियो थ्रू द लिंक गिवन हियर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बिना किसी देरी के इन टिप्स की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। तो उन चार टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी टिप्स मैं आज आपको दे रही हूँ वो मैं स्पेसिफिकली हैंडमेड बिजनेस को ध्यान में रख के दे रही हूँ, बट ये चार टिप्स ऐसी हैं जो आप किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कम रखने के लिए। तो जो पहली टिप मैं आपके लिए लाई हूँ वो है सिर्फ कुछ चीजों से शुरू करना, कुछ प्रोडक्ट्स से शुरू करना। अगर आप एक पेपर क्राफ्टर हैं तो आपको ये हो सकता है कि हम स्क्रैप बुक्स भी बना लें, हम कार्ड्स भी बना लें, हम 3D प्रोजेक्ट्स भी बना लें। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। और अगर आपको मल्टीपल क्राफ्ट्स आते हैं तो आपको और ज्यादा इस चीज की इंटरेस्ट हो सकता है कि आप दो तीन चीजें एक साथ शुरू कर दें, जैसे कि ड्रीम कैचर्स, स्क्रैप बुक, मे बी क्लोदिंग से रिलेटेड कुछ। तो वो गलती आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक चीज पे फोकस रखेंगे, सपोज कीजिए आप सिर्फ ड्रीम कैचर्स से शुरू करते हैं, इससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि आप एक USP बना सकते हैं, आपको लोग आपके ड्रीम कैचर्स के लिए जानेंगे, और ये आपको आपके स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। जब आप एक चीज बार बार बनाते हैं तो आप उसमें और बेटर होते हैं, तो ये चीज उसमें आपको हेल्प करेगी और आपकी एक USP बनेगी जिसके लिए लोग आपकी तरफ आएंगे। आप जैसे जैसे इस चीज में बेटर होते हैं, आप धीरे धीरे करके और नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और लोग उनमें भी इंटरेस्टेड ज्यादा इजीली होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके जो आप एक USP दे रहे थे उस पर भरोसा है। और दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट इससे कैसे कम रहेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका, अगर आप ड्रीम कैचर्स और स्क्रैप बुक्स बनाते हैं तो आपको दो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ड्रीम कैचर्स के लिए आपको हुप्स, थ्रेड्स, फेदर्स और जो भी चीज आप लगाना चाहते हैं आपको वो लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ स्क्रैप बुक्स के लिए आपको पेपर, एम्बेलिशमेंट्स, फोटोज, अलग अलग चीजें उसके लिए चाहिए। तो इस वजह से आपको बहुत अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपकी इनिशियल रॉ मटेरियल की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी। बट अगर आप सिर्फ ड्रीम कैचर्स बनाते हैं तो आपको सिर्फ उसका रॉ मटेरियल चाहिए, और जब आप रॉ मटेरियल बल्क में खरीदेंगे एक ही चीज का, तो आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और इससे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम रहने के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी टिप जो है वो है कि आप कुछ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स ढूंढें। जैसे कि क्या आपको शुरू शुरू में एक पेपर ट्रिमर की जरूरत है, क्या आपको स्कोरिंग बोर्ड की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इनिशियली और अपने पैसे बचा सकते हैं। अब इसके लिए आप सबसे आसान चीज क्या कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और देखिए कि किन किन चीजों के कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो टूल्स आपको चाहिए क्या उनके अल्टरनेटिव्स हैं जो थोड़े सस्ते हैं। अगर हाँ तो उन अल्टरनेटिव्स को चूज कीजिए, क्योंकि ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कम रखने में हेल्प करेगा। जो तीसरी टिप है वो है सेव मनी। आई नो ये बहुत बेसिक सी चीज है, बट बहुत लोग इस चीज को भूल जाते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि आपको अपने पैसे बचाने हैं, तो वो सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं बट पर्सनल फ्रंट पे भी बचाने हैं। कोई डिनर है, कोई लंच है, कोई पार्टी है आपके दोस्तों के साथ जो आप अवॉइड कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए, क्योंकि वो जो पैसे आप बचाएंगे उस पार्टी में ना जाके, उस डिनर पे ना जाके, वो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो इस रीजन से आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, बल्कि जो आपने पैसे बचाए हैं आप उसी में से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही चीज आपको प्रोफेशनली करनी है। आप जो भी सेल्स कर रहे हैं आपको उसमें से पैसे बचाने हैं, जो आपने
कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स को चूज करके पैसे बचाए हैं वो आप कहीं और लगा सकते हैं, जैसे कि प्रमोशंस में या कुछ ऐसे टूल्स लेने में जो बहुत ज़रूरी हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो आखिरी टिप आज की वीडियो के लिए मैं देने जा रही हूँ वो है कि आप अपने प्रमोशंस बहुत सोच समझ के कीजिए। इनिशियली आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे प्रमोशंस में लगाएं। जो सबसे बेस्ट प्रमोशन का तरीका और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हाँ आपने एक बिजनेस शुरू करा है, अपने फ्रेंड्स फैमिली नेबरहुड में आप उनको मैसेज भेजिए और उनको कहिए कि वो आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं कि आपका ये बिजनेस है और लोग आपको ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री ऑफ कॉस्ट या कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रमोशन मेथड्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री में अपने फेलो आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाइए, सिर्फ सेल्स के लिए मत जाइए। जब आप एक पर्सनल कनेक्शन बनाएंगे तो वो लोग भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रमोशन मेथड्स ढूंढिए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और उन प्रमोशन मेथड्स को यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में प्रमोट कीजिए। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। मैं इस पे एक और वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्द हिंदी में ही, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जो मैं कवर करूं अपनी आगे की वीडियोस में, इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक जो आपके दिमाग में चल रहा हो। और अगर मैं उस टॉपिक को कवर कर पाऊंगी तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो लेके आऊंगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपको अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।